नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अराइज गैस वाटर हीटर। दोस्तों देखिए, बिल्कुल नीचे से आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूं, क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ये देखिए पूरा काला हो रखा है, जला हुआ है बिल्कुल। तो दोस्तों इसका कंप्लीट कारण बताऊँगा, किस कारण से इसमें आग लगती है और इसमें क्यों लगी है आग। तो दोस्तों देख, वीडियो कम्प्लीट देखना है, इसकी कहीं से नहीं करना ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना सके। दोस्तों फर्स्ट में हमें गीजर को खोलने से पहले तीनों नॉब को निकालना होगा, वाटर गैस कंट्रोल और समर विंटर का। तो दोस्तों देखिए, इसका जो कवर निकालने के बाद में दो जिक निकालनी है हमें, स्विच और इंडिकेटर वाली, जो कि काफ़ी आसानी से निकल जाती है। उसके बाद ये देखिए जो गैस इनलेट की नोजल है इसकी, वो देखिए यहाँ पर ये इसमें एक रबड़ लगाया हुआ है, जो इसका मेन वाशर है वो है नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों इसी रीजन से इसमें यहाँ पे नोजल के ऊपर इसमें आग लगी है दोस्तों, अंदर उसी से इसमें आग पहुँची है। और देखिए जिससे पूरा गीजर का सिस्टम है कंट्रोल, पूरा जो इसकी सर्किट वाली बॉक्स है, और ये देखिए पूरी वायरिंग जल चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसको कम्प्लीट हम ओके करके दिखाएंगे आपको, क्या क्या इसमें सावधानी रखनी है, किस किस टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और कितना इसमें खर्चा आने वाला है, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले हमें देखिए जो इसकी पुराना सर्किट बोर्ड है, जो बॉक्स है इसका, उसे निकाल लेना है खोलकर, जो कि बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल जल के इसके सभी पार्ट्स बिल्कुल मेल्ट हो गए अंदर से। देखिए ये इसका दोस्तों, देखिए जो बैटरी बॉक्स है इसका, सेल बॉक्स, उसे भी हम खोलकर अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल इसके जो पॉइंट हैं सभी बिल्कुल, देखिए अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल जर खा के ख़त्म हुए हैं। तो ये भी बॉक्स हमें नया डालना पड़ेगा। ये देखिए इसका जो सर्किट बॉक्स है दोस्तों, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी का होता है तो इसमें पूरी आग पकड़ चुकी थी इसकी। और ये अब हम खोल रहे हैं जो है इसकी गैस रिले। तो एक बार इसको देखिए दोस्तों, देखिए रिले के जो मेन रिले का पॉइंट है, वहाँ से कोई ब्लैकिंग नहीं है, ऊपर से ही जली है रिले इसकी दोस्तों। जो इसमें आग लगी है वो बिल्कुल नीचे, जहाँ से हम गैस इनलेट की नोजल कसते हैं, उसी कंडीशन में वहीं से आग लगी है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्होंने प्रॉपर वाशर वो है उसको लगाया नहीं है। तो इस कारण से दोस्तों पूरा गीजर इसका डैमेज हो चुका है, मात्र 2 या 3 रुपए के वाशर के चक्कर में। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी सारा सामान इसके अंदर डलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर देखिए जो हमारा ये सर्किट बॉक्स है इसका, ये देखिए पुराना वाला सर्किट बॉक्स, हमने इस जो इसका सर्किट बॉक्स का स्टैंड पत्ती है उसके ऊपर हमें पहले जो हमारा नया सर्किट बॉक्स है उसे सेट कर लेना है, जिसमें कि 2 पेच लगेंगे हमारे। तो दोस्तों देखिए पत्ती को हमने सर्किट बॉक्स के साथ अच्छे से सेट कर दिया है, बिल्कुल दोनों पेच लगाकर। दोस्तों इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं ऊपर की, जब जो 3 वायर हैं इसके मोटे वाले, फर्स्ट वाला देखिए जो हमने, बीच वाला है जो लाइटिंग का है दोस्तों, और जो फर्स्ट हमारा राइट हैंड पे है इसमें S लिखा हुआ है जिस पे, वो वाला सेंसर का है दोस्तों, इसका हीटिंग सेंसर का वर्क करता है। तो दोस्तों देखिए हमें नई रिले है जो, उसे लगा लेंगे। दोस्तों रिले के जो पेच हैं बिल्कुल प्रॉपर आमने सामने 2 ही पेच हैं, बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेने हैं, ताकि गैस जो हमारी गैस है वो लीकेज होने का खतरा ना रहे। इसके बाद में देखिए जो हमने सर्किट बॉक्स है इसका, उसे लगा लेना है इस टाइप से लगाकर, नीचे से इसमें दोस्तों पत्ती के अंदर 2 पेच लगेंगे, जिससे कि फिक्स हो जाएगा जो हमारा सर्किट इसका कंट्रोल बोर्ड है दोस्तों। सर्किट बोर्ड लगाने के बाद में देखिए हम जो पहला वायर है हमारा, ये दोस्तों सेंसर का है, जो कि हीटिंग सेंसर पे लगेगा, जिसमें जो कि सबसे लंबी हमारी इसका पॉइंट है अंदर की तरफ। तो
इसको हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे, जो हमारा राइट हैंड का पॉइंट है। उसके बाद में बीच वाला हम बीच में लगाएंगे, जो कि लाइटिंग का है इसका लाइटर। और ये हमारा सेकंड लाइटर दोस्तों, जो कि बिल्कुल एंड में लगाएंगे इसको। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो हमारा एस वाला पॉइंट है उसको ज़रूर बिल्कुल सेंसर पे लगाना है, लाइटिंग के आप इधर उधर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो इसका बॉडी अर्थ, जो इसका ग्राउंड है सर्किट का, जिसमें कि थिम्बल लगाता है, उसे हमें यहाँ पे या यहीं पे दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर इसका एक पॉइंट आता है, उसी पे हमें सेट कर लेना है। या और भी कहीं इसे आप बॉडी में कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, जो ब्लैक वाली थिम्बल है हमारी, ब्लैक वाली थिम्बल हमेशा इसमें हमारी है, जो रिले के लिए होती है। तो इसे भी हम लगा कर सेट कर देंगे, वायर को नीचे की तरफ सेट कर देंगे। दोस्तों देखिए, ये जो हमारी थिम्बल है, ये हमारा जो ओवर हीट का जो प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये देखिए इस पर लगाएंगे। बाकी लगाने से पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे चेक कर लेंगे बार मल्टीमीटर से, कंटिन्यूटी आ रही है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसी के ऊपर ही इसके थिम्बल लगा देंगे बिल्कुल। तो दोस्तों जो हीटिंग सेंसर है इसका, ओवर हीट प्रोटेक्शन, उसके भी कनेक्शन हो चुके हैं हमारे। ये देखिए, अब लेते हैं हम नया सेल बॉक्स, जो इसका बैटरी बॉक्स है दोस्तों। देखिए इसमें पीछे की तरफ प्लस और माइनस लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, जो हमारा नीचे वाला सेल डलता है, इसमें नीचे की तरफ है जो हमारा माइनस वाला तार लगेगा, और ऊपर हमारा रेड वायर प्लस वाला। तो दोस्तों ये देखिए, जो बॉक्स है उसे भी हम कंप्लीट सेट कर देंगे। और ये बॉक्स को बंद करने के बाद यहाँ से घुमाकर इसे लॉक कर देंगे। तो दोस्तों सप्लाई ओके हो चुकी है इसके अंदर। ये देखिए, हम जो एक इंडिकेटर है और ये थिम्बल है, यहाँ से डायरेक्ट इसे ऑन करके चेक कर लेंगे, बिल्कुल सर्किट पूरा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों अब इसके बाकी कनेक्शन देखिए, जो इसका सेंसर स्विच है, जो कि मैग्नेट इनलेट वाटर इनलेट वाले में लगा हुआ है पाइप के ऊपर, ये जो मैग्नेट है, इसे हम जैसे ही पाइप में डालेंगे गीजर को खड़ा रख के, तो हमारा जो गीजर है बिल्कुल ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंसर स्विच है उसको, ये देखिए, कनेक्ट कर दिया है। और आप देखेंगे रिले को भी, रिले बिल्कुल उठ गया है इसका, ये देखिए नीचे आ चुका है। तो दोस्तों जैसे ही यदि हमारी इसमें, मैं एक बार लाइटिंग के लिए आपको ये जो इसकी ऊपर की पत्ती है इसे खोलकर इसकी लाइट जो लाइटर है वो भी चेक करा देता हूँ कि प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके लिए भी आपको ध्यान रखना है, लाइटर के जो पॉइंट है इनको बिल्कुल थोड़ा सा दूर रखना होता है, जो हमारी चिमनी होती है उसमें बिल्कुल टच करके नहीं रखना है, वरना आपके लाइटर वर्किंग नहीं करेंगे प्रॉपर। देखिए बिल्कुल थोड़ा दूर रख के, बिल्कुल लाइटिंग प्रॉपर आ रही है दोस्तों, बिल्कुल नए की तरह एकदम। तो दोस्तों गीजर हमारा बिल्कुल लगभग ओके हो गया है। तो दोस्तों जो पत्ती इसकी है फ्लेम गार्ड, इसको हम वापस से लगा देंगे। दोस्तों इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल, ये जो दोनों स्विच है हमारे, एक तो मेन स्विच इसका और एक ये जो सेंसर स्विच होता है, दोनों सीरीज में लगे होते हैं, उसी हिसाब से इसमें थिम्बल होते हैं दोस्तों। आराम से जो इनके जिक हैं चेंज होते नहीं हैं आपस में, बिल्कुल सही ही लगते हैं, मेल फीमेल टाइप के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल स्विच भी हमारा ओके काम कर रहा है इसका। तो इसके बाद हम बॉडी के पेच लगाकर गीजर को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों गीजर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसकी नॉब है जो लगा लेंगे हम, दोनों नॉब, ये बीच वाला नॉब दोस्तों थोड़ा छोटा होता है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम होते हैं सभी गीजर के अंदर। तो
तो दोस्तों गीजर हमारा ओके हो गया, देखिए प्रॉपर वर्किंग कर रहा है बिल्कुल, स्विच भी हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हमारा मैग्नेट पानी से ऊपर जाता है, गीजर हमारा ऑन हो जाता है। टेस्टिंग के लिए हम गीजर को उल्टा रख के ऑन ऑफ चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है, वो जो आप आइटम सामने रखा देख रहे हैं, सिलाई मशीन का पैडल स्टैंड, उसके बारे में आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्टैंड को कंप्लीट असेंबल करके दिखाएंगे और इसमें बताएंगे आपको क्या क्या टूल की इसके अंदर ज़रूरत है और किस टाइप से इसे कंप्लीट अच्छे से सेट करना है दोस्तों, बिल्कुल इसका अलाइनमेंट और किस टाइप से हमें इसका टॉप सेट करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।